भाषा का मेला। नमस्ते दोस्तों, मुझे पहचानते हो ना? मैं हूँ भाषा। तुम जानते हो ना आज मैं किस लिए आई हूँ? मैं आई हूँ तुम्हें मेले की सैर कराने, भाषा के मेले की। इस मेले में सारे खेल और तमाशे भाषा के ही हैं। तो आओ अब चले मेले में। भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला, अलबेला भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला। इस मेले में तुम 22 को देखो, बात मजे की करने वाली हड़बड़ पुतली देखो। भाषा का मेला ले आया शब्दों का रेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला। यहाँ से तोड़े वहाँ पे जोड़े, नए निराले इन खेलों को सबने मिल खेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला। के इस मेले में तुम 22 कोप देखो, आहा बात मजे की करने वाली हड़बड़ पुतली देखो। हड़बड़ पुतली, ये नाम कहीं सुना हुआ है? ये हड़बड़ पुतली कौन हो सकती है? अरे भाई फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई ना। हड़बड़ तो मेरा ही नाम है, ये बड़बड़ भी मुझे नहीं बताता। तो अब मेले की तैयारी करनी चाहिए। बड़बड़ इस बार मेले में दिखाने के लिए क्या क्या है, निकालो जरा बाहर। शाबाश। हाँ हाँ, क ब और व। ओह अरे बाबा, तुम भी मेरी तरह नालायक ही हो। मुझे खुद ही अक्षर निकालने पड़ेंगे वर्णमाला में से। लो फिर मैं निकालता हूँ। मैं इस वर्णमाला में से एक जैसे मिलते जुलते अक्षर ढूंढ के निकालता हूँ। हाँ ये रहा प, ये प। और क्या हो सकता है इससे मिलता जुलता अक्षर? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बड़बड़ तुमको नजर आ रहा है? कैसे आएगा, जब मुझे नजर नहीं आ रहा तुम्हें कैसे नजर आएगा? लगता है मुझे खुद ही कारखाने में बाकी के अक्षर बनाने पड़ेंगे खुद ही। चल भाई हड़बड़। इस वन बाला में से एक जैसे अक्षर ढूंढता हूँ। मिलते जुलते अक्षर। लगता है इस दफा हड़बड़ भी जो है वो फिर गड़बड़ कर गया है, और साथ बड़बड़ जो है वो भी नालायक हो गया है मेरी तरह। कोई नहीं, ये भी से मिलता जुलता अक्षर। एक तो हड़बड़ जो है ना फिर गड़बड़ कर जाता है, पर बड़बड़ भी उसको बताता नहीं। मैंने हले वापस उसी वर्णमाला में से जाकर है, ये किसने एक जैसे अक्षर लगा दिए हैं?
मेरा ख्याल है ये बड़बड़ का काम है, मगर बड़बड़ मुझसे ज्यादा होशियार कैसे हो सकता है? ये बड़बड़ की आवाज को क्या हुआ? गड़बड़ जी, मैं हूँ भाषा। अरे आप हैं भाषा जी? हाँ जी। तो आपने गड़बड़ी की है? गड़बड़ी नहीं, ये तो आज के मेले का तमाशा है। प, फ और त का। प, हाँ, फ, हाँ, और त। हाँ, यही तो मैं कहने वाला था। अब आप कहेंगी कि ये बना के भी दिखाओ? हाँ, क्योंकि ये तो मैंने निकाल के रखे हैं, अब आप बना के दिखाइए। अभी लें। चलो भाई बड़बड़, उठाओ सामान, चलो आज पीछे पीछे। आइए आइए भाषा जी, आइए। लाओ भाई बड़बड़, लाओ भाई प का सामान। ये देखें जी, ये प बनने वाला है। ये इसके साथ लगाया और ये इसका डंडा लग गया, ये बन गया प। अरे वाह हर्बर्ट जी, ये तो आपने बिल्कुल सही लगा दिया। ये तो आप कुछ भी नहीं, आप देखें मैं क्या बनाता हूँ। ये देखिए, ये क्या बना रहे हैं आप? ये मैं फ बना रहा हूँ। ये देखिए, हाँ फ, ये ऐसे और ये लग गया ऐसे और ये लग गया, ये आप पकड़ते जाएं मैं लगाता जाता हूँ, और ये लग गया ऐसे, ये देखिए। नहीं हर्बर्ट जी, ये आपने सही नहीं लगाया। क्या मतलब? ये देखिए, ये ऐसे ऐसे ही लगाया था मैंने, ये ऐसे, ये भी ऐसे ही लगाया था, देखिए तो, और ये ऐसे। ओहो हो, ये यहाँ पर बड़बड़ ने गलती की है, मुझे चीजें गलत दी थी उसने। और ये बन गया फ। फ अब बनाइए त। लाओ भाई बड़बड़, अब सामान ठीक देना। ये हो गया ऐसे और ये बन गया ऐसे, लग जाओ, हाँ ये, और ये लग गया डंडा ऐसे। नहीं, ये डंडा यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा। ओहो भाई बड़बड़, तुम हमेशा गलत करवा देते। तभी तो त बनेगा। अच्छा ये बन गया त। हर्बर्ट जी, जी, ये तो हुआ प, जी, फ और त, जी। अब इन अक्षरों से शुरू होने वाली कुछ चीजें भी दिखाइए हमें। अभी लीजिए बड़बड़, चलें भी चीजें निकालें और सामान उठाएं। आप मेरे पीछे आ जाएं जी। अब प से शुरू होने वाली कुछ चीजें दिखाइए। अभी लें जी, लावे बड़बड़ पतंग लेना, ये लें। प से पतंग। प से पतंग। प से पतंग, मैं अभी उड़ा के दिखाता हूँ। ये आहा, ओहो ये क्या हुआ? ये तो पतंग तो पेड़ के पत्तों में फंस गई। और कुछ दिखाइए। हाँ प से पत्थर। अच्छा तो फिर फ से शुरू होने वाली कुछ चीजें दिखाइए। ये अभी लें जी, ये फ से फल। अरे वाह फ से फल। हाँ, वापस रखो, वापस रखो, ये तमाशे के बाद खाना। अभी से फ से फल ले गया था। हाँ फ से फल, और अब बारी है किसकी भला? अब त से शुरू होने वाली कुछ चीजें दिखाइए। त से ये रही तख्ती। त से तख्ती, और त से तराजू। तराजू जी, तराजू से याद आया राजू है? मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। ओहो, बड़े मीठे मीठे तरबूज खिलाता था। मुझे क्यों नहीं मिला? अरे हाँ। त से तरबूज भी तो। हाँ त से तरबूज, और त से तलवार। तलवार, और त से तख्त। त से तख्त। तख्ती तो मैं आपको दे चुका हूँ त से। अब रह गया त से तबला। ये देखें, ये तबला। चल रही बड़बड़, दया तू बजाया बाया मैं बजाता हूँ। ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन ना। ये क्या हुआ? मैं तबला बजाता रह गया और भाषा फिर चली गई। चलो कोई नहीं, हड़बड़ी में फिर गड़बड़ी हो गई। पर से पर्दा ही गिरा दो, आने दो इधर से भी और उधर से भी। पहले बनाओ उल्टी पूंछ,
जोड़ के खींचो सीधी लाइन, डंडा ऊपर एक लगेगा, तभी तो बच्चों प बनेगा। बन गया प, बन गया प, बन गया प। बना के प, पूंछ जो लग गई, देखो तो शक्ल फ की बन गई। बन गया फ, बन गया फ, बन गया फ। एक अकेली सीधी लाइन, निकल आई पूंछ, ऊपर से पड़ा डंडा, बन गया त, बन गया त, बन गया त। पता बताऊं, पता बताऊं, पर मैं तुमसे नाम छिपाऊं, सुनो पहेली ध्यान से, पूछो अपने ज्ञान से। सहेली, ये पहेली क्या होती है, जरा इन बच्चों को भी बताओ। पहेली का मतलब समझ लो सवाल। अच्छा, इस तस्वीर को देखो, इसकी नाक पर सवाल का निशान है, है ना? हाँ। वैसे ये एक ब्लैक बोर्ड है, पहेली यानी सवाल, हम इसी पर हल कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर अब पूछो पहेली। पूछती हूँ, पूछती हूँ, पहले एक बात और बता दूँ। वो क्या? वो ये कि जवाब तुम्हें इन अक्षरों में ही मिलेगा, पर जरा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सुनो पहेली ध्यान से, पूछो अपने ज्ञान से, एक नहीं तुम अक्षर तोलो, एक नहीं तुम अक्षर तोलो, करो जो उल्टा पक पक बोलो, दूध चाय उसमें तुम पी लो, अब तो उसका नाम बोलो। एक नहीं तुम अक्षर दो लो, इसका मतलब ये चीज दो अक्षर की है। हाँ। उल्टा सीधा पक पक बोलो। अच्छा, लिख के देखती हूँ। करो जो उल्टा पक पक बोले, ये मैंने लिखा प, और ये क। अब इसे उल्टा किया तो ये हुआ क, और ये प, याने कप। अरे हाँ, कप में तो हम दूध और चाय भी पी सकते हैं, इसका मतलब इस पहेली का जवाब है कप, है ना? अब दूसरी पहेली पूछो। वो बैठा तराजू में, आके अकड़कर, राजू ने उसको रखा है पकड़कर। ये मैंने लिखा त, रा, जू। त बैठा है अकड़कर और राजू ने उसको रखा है पकड़कर। अरे हाँ, इस सवाल का जवाब है त। हाँ, बिल्कुल ठीक, क्योंकि तुमने दोनों पहेलियाँ सही बताई है, इसलिए तुम्हें इनाम में एक पहेली मिलेगी। लो, इसे ले जाओ अपने साथ, अपने दोस्तों से पूछना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। दोस्तों, आज का मेला बहुत ही अच्छा रहा, इतनी सारी चीजें देखने को मिली और साथ में एक पहेली भी मिल गई। सुनोगे? ध्यान से सुनना और जब जवाब सोच लो तो हमें लिखकर भेज देना, ठीक है? अब पहेली सुनो। प लिखा सीधा, त मगर पलट गया, इस उलट पुलट को जोड़ो तो क्या बन गया? एक बार फिर सुनो। प लिखा सीधा, त मगर पलट गया, इस उलट पुलट को जोड़ो तो क्या बन गया? तुम इस पहेली का जवाब सोचो, त
तब तक हम चलते हैं, मेले में दोबारा मिलेंगे, भाषा के मेले में।